प्यारे बच्चों नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश है। मैं जीके जैन स्कूल से कक्षा एक के लिए हिंदी लेने जा रहा हूँ। आज मैं आप सबको चित्र कथा अर्थात चित्र के आधार पर कहानी बोलना सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का नाम है बातुनी कछुआ। एक जमाना था जब हम सब रात में सोते थे तो हमें दादा और दादी कहानियाँ सुनाया करते थे। चंदा मामा की कहानी, राजा रानी की कहानी सुनाया करते थे और हम उनकी कहानियों को सुनते सुनते सो जाते थे। तो बच्चों अब हम कहानी शुरू करने जा रहे हैं। बातनी कछुआ। बातनी कछुआ का मतलब है वह अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाता है और बीच में टपक से बोल बैठता है। तो हम कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस जंगल के किनारे एक सुनहरा तालाब था। उस तालाब में दो बगुले, कछुआ, मेंढक, मछलियाँ, जीव जंतु रहते थे। एक ही तालाब में रहने के कारण लोग सुखी पूर्वक रहते थे, कभी कभी हंसी मजाक भी कर लिया करते थे। ऐसे ही एक दिन की बात है, कछुआ ने कहा, मित्र आप इतनी लंबी लंबी उड़ाने भर लेते हो, इतने सुंदर लगते हो, काश ईश्वर ने भी हमें ऐसे पंख दिए होते तो कितना अच्छा होता, हम भी पूरी दुनिया की सैर करते और दुनिया का आनंद लेते। इस पर बगुले ने कहा, नहीं मित्र, यदि ईश्वर ने हमें पंख दिया है तो आपको भी मजबूत पीठ दी है। आपकी पीठ बहुत मजबूत है, आपके पीठ पर कितने भी डंडे बरसा लो लेकिन कोई भी असर नहीं होता है। इस पर कछुआ ने हंसकर बोला, कहा, नहीं मित्र, आप अच्छी बातें कर लेते हो। इस प्रकार से एक ही तालाब में रहने के कारण बगुले और कछुआ में हंसी मजाक चलता रहता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। अचानक वर्षा नहीं हुई, अकाल पड़ गया। उस तालाब से जितने भी जीव जंतु थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करने लग गए। तो दोनों मित्रों ने सोचा, कहा, मित्र कछुआ भी हमारा दोस्त है, घनिष्ठ मित्र है, हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। तो दोनों ने एक उपाय सोचा और कछुए के पास आए और बोले, मित्र जैसा कि आप देख रहे हो यह तालाब सूखते जा रहा है। यहाँ पे जितने भी जीव जंतु हैं इस तालाब में सब एक तालाब से दूसरे तालाब में जा रहे हैं। तो हम लोगों ने भी आपके लिए एक प्लान सोचा है। तो कछुए ने कहा, मित्र क्या प्लान है? मित्र देखो, हम लोग एक ऐसा लकड़ी लेंगे, इस पर यहाँ पे मैं पकड़ लूँगा और इस साइड मेरा मित्र पकड़ लेगा, बीच में आप जो है अपने दांतों से कस के पकड़ लेना और हम उड़ान भरेंगे, चलेंगे, तो आपको भी स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर चले जाएंगे। तो लेकिन आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जो है बोलना नहीं है, क्योंकि आप बहुत बोलते हो, इसलिए उस पर आपको जरूर ध्यान देना है। तो ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा। दोनों मित्र आए, लकड़ी पर दोनों साइड पकड़ लिए, बीच में कछुआ लटक गया और उड़ान भर ली, काफी दूर गए। जाते जाते कछुआ जो है मित्रों से बोला, मित्र मुझे कुछ मनुष्यों की आवाज सुनाई दे रही है। जैसे ही वह आवाज किया, धाम से नीचे गिरा, उसके पांव पसलू उड़ गए थे। तो मित्रों, जैसा कहा गया है कि हमें अपने आप पर नियंत्रण करना चाहिए, दोनों बगुले नीचे उतरे और देखे कछुआ के प्राण उड़ गए थे। इस प्रकार से बच्चों की कहानी यहीं पर खत्म होती है। अब इस कहानी से संबंधित मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। प्रश्न, बगुले
लकड़ी लेकर क्यों आए? तो बबली लकड़ी लेकर क्यों आए? बबली लकड़ी लेकर इसलिए लाए क्योंकि कछुए को ले जाने के लिए। नंबर टू, तालाब में कितने बगुले थे? तो तालाब में दो बगुले थे। नंबर तीन, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें अपने आप पर नियंत्रण करना चाहिए। अगर नियंत्रण नहीं करेंगे तो जो हाल कछुआ का हुआ था वही हाल होगा। थैंक यू।